सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं साल 2014 में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स किस ब्रांड ने बेचे थे? यहाँ पर दोस्तों जवाब है माइक्रोमैक्स। और अगर दोस्तों बात करते हैं इसके अलावा और बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स की, फिर चाहे दोस्तों वो कार्बन हो, स्पाइस हो, लावा हो या इंटेक्स वगैरह हो, वो दोस्तों उस टाइम पे ठीक ठाक काम कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में मार्केट में दिखते नहीं, भैया ऑलमोस्ट गायब से हो गए हैं। तो आखिर क्या दोस्तों हुआ इन इंडियन ब्रांड्स को, थोड़ा सा आवाज इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। मतलब यार दोस्तों आज की डेट में तो ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, ऑल दो दोस्तों ये ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं गायब नहीं हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों बात अगर कर ले आप कार्बन की या लावा की या माइक्रोमैक्स वगैरह की, लेकिन पता नहीं यार कितने फोन्स बनाते होंगे, पता नहीं कितने बेच पाते होंगे। और ऐसे में यार एक टाइम जब माइक्रोमैक्स इंडिया में नंबर वन पोजिशन पर था, उसने दोस्तों सैमसंग को बीट किया था उस टाइम पर, और आज कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं। तो आखिर क्या हुआ इन इंडियन ब्रांड्स को, और क्या हम फ्यूचर में कोई दोस्तों ऐसा एक और इंडियन ब्रांड देख पाए जो एक बार वापस से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में रूल कर सके? तो यार यहां पे शुरुआत होती है कुछ 2010-2011 के आसपास की दोस्तों बातें हैं, जिस टाइम पे एक एंड्रॉयड फोन्स जो है वो पॉपुलर होना शुरू हुए थे धीरे धीरे, और लोग जो है वो भैया कर रहे थे अपग्रेड अपने स्टैंडर्ड फोन से स्मार्टफोन्स में। और उस टाइम पे दोस्तों जो फोन्स थे HTC काफी पॉपुलर हुआ करता था, LG काफी पॉपुलर था, सैमसंग काफी पॉपुलर था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि इनके फोन्स काफी महंगे हुआ करते थे। और दोस्तों इंडिया क्योंकि एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी इन ब्रांड्स को, जहां पे दोस्तों माइक्रोमैक्स गया चाइना और वहां से जो रेडिली अवेलेबल फोन्स थे दोस्तों ODMs के पास से वो उठाए, रीपैकेजिंग की, रीब्रांडिंग की और इंडिया में लाके मार्केट में फेंक दिए। तो यहां पर दोस्तों वो जो टाइम था उस टाइम पे इतने सारे फोन्स बिके माइक्रोमैक्स से, मतलब एकदम दोस्तों हिट सा हो गया, बिकॉज यार सैमसंग कौन लेगा 25-30-35 हज़ार का फोन है, और ऐसे में जो माइक्रोमैक्स है वो दे रहा है 6-7-8-9-10 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज के अंदर काफी सारे कमाल फीचर्स। तो यार दोस्तों ये जितने भी मतलब थे ना ब्रांड्स, ये सभी के सभी बिल्कुल हिट पे हिट पे हिट होते गए, और वही वो टाइम था जिस टाइम पे भैया मार्केट में पकड़ बनाई, बिकॉज हमारे लिए दोस्तों इंडिया में यूजर्स थे उनको चाहिए थे कि भैया एक अफोर्डेबल फोन मिल जाए, स्मार्टफोन तो खैर चाहिए ही था, तो ऐसे में स्मार्टफोन अगर दे रहा है माइक्रोमैक्स तो बड़े आराम से ले लिया सबने। और मतलब ऐसे में दोस्तों ड्यूअल सिम फोन हो, फिर चाहे वो यार मतलब उसमें कुछ और नए फीचर्स हो, माइक्रोमैक्स ने तबाही मचा दी मतलब मार्केट में। और दोस्तों वो जो टाइम था ना 2011 के आसपास जो शुरू हुआ, वो आते आते 2014 में हाल ये हुआ कि सैमसंग को बीट कर गया माइक्रोमैक्स, और एक पर्टिकुलर क्वार्टर में तो भैया इंडिया का सबसे नंबर वन ब्रांड बन गया दोस्तों, आपसे बात करता स्मार्टफोन सेल्स की। और जो बाकी ब्रांड थे, फिर चाहे कार्बन हो या लावा हो या स्पाइस वगैरह हो, ये भी दोस्तों अपने लेवल में ठीक ठाक काम कर रहे थे, कुछ बना रहे थे फीचर फोन्स, कुछ बना रहे थे एकदम बिल्कुल एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स, लेकिन ऐसे में दोस्तों गाँवों में Tier 2, Tier 3 सिटीज में, और मतलब कहीं ना कहीं जिनको स्मार्टफोन्स चाहिए था, जिनको टच स्क्रीन वाला फोन चाहिए था, जिनको भैया चाहिए था कुछ और अपने फोन में गाने या फिर वीडियो वाला फंक्शन, वो दोस्तों ये सभी फोन्स खरीद रहे थे। और ऐसे में मतलब इनका कुछ फैक्ट्री नहीं, इनका यहाँ पे कुछ जो है वो R&D सेंटर वगैरह नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाइना गए, अनब्रांडेड जो फोन है जो दोस्तों किसी भी ODM से पकड़ के उठा लिए और उसी के ऊपर अपना स्टिकर लगाया और इंडियन मार्केट में डंप कर दिया। ये थी क्लियर पॉलिसी, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रखे उस टाइम पे भी, और मतलब ऐसे में कुछ कभी कस्टमर का ख्याल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस मतलब मौके को बुनाने के लिए ये सभी दोस्तों ब्रांड जो है वो रेस में लग गए, और ऐसे में काफी चीजें अच्छी चल रही थी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 2014 आते आते Xiaomi इंडिया में आ गया, OnePlus इंडिया में आ गया, और ऐसे में दोस्तों जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज वो जो चीजें ऑफर कर रहे थे वो इनके पास में नहीं थी। और वो टाइम दोस्तों आते आते Samsung की या LG की या जो बाकी पॉपुलर ब्रांड्स थे उनकी जो फोन्स की रेंज है वो भी काफी बढ़ चुकी थी। तो इकलौता कोई फैक्टर प्राइस का नहीं था कि मतलब जो है सस्ता फोन सिर्फ माइक्रोमैक्स का मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों Xiaomi ने भी इनफैक्ट बजट फोन्स निकाल दिए, और जो आया था Mi 3 भैया वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो मतलब ऐसे में वो टाइम आया जब दोस्तों मार्केट भी धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ जाने लगा, क्योंकि जब दोस्तों Amazon Flipkart वगैरह पॉपुलर हुई, लोगों ने धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट किया। मोटोला दोस्तों उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुआ था, मोटो जी और मोटो ई वगैरह के साथ में। तो ये काफ़ी सारे वार इन पर हुए, और ऑनलाइन में तो मतलब इनके पास में कुछ कॉम्पिटिशन बचा ही नहीं, तो मतलब वहाँ से दोस्तों ये सिमटते गए।
गए। और इन पैरेलल ऑफलाइन दोस्तों अगर आप बात करता हूं तो भैया उस टाइम पे आ गए ओप्पो और वीवो। और जब ओप्पो वीवो आए तो दोस्तों ऑल्दो फोन्स उनके भी कुछ खास परफेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक बेटर वैल्यू देते थे माइक्रोवेव से कंपैरिजन में। और फिर जो उन्होंने ब्रांडिंग की है, मतलब जगह जगह पे दोस्तों जो पूरे पोस्टर्स पूरे शहर रंग दिए हरे और नीले, तो ना माइक्रोमैक्स वगैरह इधर के रहे ना वो उधर के रहे। तो यहाँ पर दोस्तों उस टाइम के बाद से, मतलब समझ लो आज तक, हाँ बीच में कोशिश की, बीच में अपना एक दोस्तों नया जो है वो यू सीरीज के अंदर फोन निकालने की कोशिश की, थोड़ा सा यूथ को टारगेट करने की कोशिश की सारे जो मॉड वगैरह के साथ में, लेकिन वो जो फोन्स हैं उनमें भी एक आधे मॉडल के अलावा ज़्यादा किसी में कुछ खास दम था नहीं। कभी फ़ोन कुछ निकालते बहुत ज़्यादा उसकी हाइप होती, निकलता बाद में फुस। तो मतलब यही दोस्तों मेन रीज़न है जिसके चलते माइक्रोमैक्स हो या कार्बन हो या भैया यहाँ पे लावा वगैरह हो, लावा के दोस्तों बीच में जोलो वगैरह कुछ फोन्स आए थे जहां पे इंटेल का प्रोसेसर था, मतलब कुछ कुछ अलग अलग काम करने की कोशिश की है कहीं ना कहीं। लेकिन अगेन क्योंकि जो है वो फोकस्ड रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि यहाँ पे शायद प्रॉफिट्स को ज़्यादा देखा, क्योंकि कस्टमर का जो मतलब रिक्वायरमेंट है सामने मार्केट में उसको स्टडी ठीक से नहीं किया, और ऐसे में दोस्तों एट द एंड आज की डेट में मार्केट शेयर में कहीं दूर दूर तक नाम आता ही नहीं है, मतलब बस दोस्तों कुछ 2-4-5% पे बैठे हैं। ऑन द अदर हैंड ब्रांड्स लाइक रियलमी, मतलब पिछले साल दोस्तों कंपनी आती है उस टाइम पे कुछ नहीं है मार्केट में, एकदम 0% मार्केट शेयर है, और आज की डेट में इतने सारे दोस्तों फोन चलाते हैं क्योंकि फोन एक अच्छी प्राइस पे अच्छा प्रोपोजिशन जो है वो कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। तो दिमाग में सवाल ये आता है कि यार क्या अभी कोई चांस नहीं इंडियन ब्रांड्स के पास में, क्या अभी इंडियन ब्रांड्स कुछ नहीं कर सकते हैं? यार डेफिनेटली दोस्तों कर सकते हैं। आज की डेट में जो स्मार्टफोन्स हैं उनका मार्केट इंडिया में और बहुत 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 ज़्यादा है। बाकी दोस्तों कंट्रीज़ में जहाँ पे मार्केट जो है वो सैचुरेट कर गया है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में दोस्तों हर साल बढ़ोतरी में बढ़ोतरी हम लोग देख रहे हैं, और ऐसे में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो फिलहाल फीचर फोन चूज़ कर रहे हैं, जिनको स्मार्टफोन चूज़ करने हैं। तो ऐसे में दोस्तों पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, अगर एक इंडियन ब्रांड अच्छी प्राइस पर अच्छी चीज़ लेके आएगा तो यार डेफिनेटली दोस्तों सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन ऐसे में लॉन्ग टर्म गोल के साथ में आना पड़ेगा, मतलब वो टेम्पररी प्रॉफिट मेकिंग मशीन नहीं होने वाली है। आपको प्रॉफिट्स बहुत कम रखने पड़ेंगे, कस्टमर का फीडबैक लेना पड़ेगा, आपको एक अच्छा जो है वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा, साथ में गारंटी देनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह की। बिकॉज जो पुराने माइक्रोमैक्स वगैरह हैं उनमें तो भैया भूल ही जाओ, खैर सॉफ्टवेयर अपडेट जो आई रोम डल के बस वही की वो रहेगी आपके पास। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे में आज की डेट में जो मुझे लगता है पोटेंशियल ना, जैसे इंडियन ब्रांड दोस्तों टाटा, अभी टाटा के पास में यार डेफिनेटली दोस्तों पोटेंशियल है। क्या पता टाटा ये काम करे, क्या पता दोस्तों यहाँ पे जियो ये काम कर सकता है, हमको नहीं मालूम। अगर दोस्तों एक अच्छी पॉलिसी के साथ में कुछ चीज़ें निकल के आए मार्केट में, तो चाहे दोस्तों शाओमी आज जो ऑफर कर रहा है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑफर कर रहा है, या रियलमी जो कर रहा है, जो एसुस जो कर रहा है वो बहुत अच्छा ऑफर कर रहा है, लेकिन इंडियन ब्रांड भी हेड टू हेड कम्पीट कर सकता है दोस्तों। बिकॉज पोटेंशियल है पहली बात तो बड़े इंडियन ब्रांड्स में, यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है हमारे पास में, और उसके अलावा जो मार्केट है उसमें भी पोटेंशियल है कि यहाँ पर दोस्तों वो एक और नए प्लेयर को बड़े आराम से अब्जॉर्ब कर ले, और ऐसे में आगे चल के घर क्या पता भैया कोई इंडियन ब्रांड बन जाए नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड, जैसे कि हुआ 2014 में कभी। अभी ऑल्दो वो फोन्स इंडियन नहीं थे, फोन्स चाइना से बन के आए, केवल यहाँ पर रीब्रांडिंग, मतलब वो सब एक अलग कहानी है। लेकिन जो मतलब आज के दोस्तों मार्केट सिनेरियो है वो यही है कि कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, और इसीलिए जो आप दोस्तों देख रहे हैं आज की डेट में नंबर्स की, मतलब हर एक ब्रांड जो है वो कोशिश कर रहा है कि कैसे कुछ ना कुछ वो नया लेके आए, रेस में हमेशा आगे रहे, क्योंकि हम जो है हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में इंडियन ब्रांड भी पूरी कर सकता है अगर एक अप्रोच अच्छी हो। बाकी खैर आज की डेट में तो यार कहाँ माइक्रोमैक्स गया, कहाँ कार्बन गया, कहाँ लावा गया, किसी को खैर कोई आइडिया नहीं है। एक टाइम पे नंबर वन हुआ करते थे इंडिया में, और बस वो मौके के फ़ायदे उठाने के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ मार्केट शेयर लेने के या सेल्स लेने के चक्कर में दोस्तों जो कंप्लीट बेसिक्स थे वो निकाल दिए बताने के साइड में। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप करते हैं कंपेयर, मतलब देखिए मार्केट चेंज होता है, एक टाइम पे जब मोटोला का मोटो जी और मोटो ई और मोटो जी टू वगैरह दोस्तों वो जो फोन्स काफी पॉपुलर थे, मोटोला उस टाइम पे बहुत एक अच्छा काम कर रहा था, लेकिन आज की डेट पे क्योंकि मोटोला ने अच्छा काम नहीं किया तो उसको भी नहीं पूछते हैं। मतलब यहां पे ये दोस्तों जो मार्केट है इतना कॉम्पिटेटिव है कि आपको लगातार बैक टू बैक अच्छा काम करते रहना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर देखते हैं कि आगे कोई इंडियन ब्रांड अगर आता है तो क्या ये वापस से कुछ अच्छा काम करते हुए एक अच्छी पोजिशन पे पहुंच पाता है या नहीं, आपकी नजर में दोस्तों इंडिया से ये काम कौन कर सकता है, और क्या आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में काम होते हुए देखेंगे? बताइए आपकी क्या है राय नीचे कमेंट्स में, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।